अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। इस चैप्टर में से जो आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी होंगी वो एरिया और वॉल्यूम के फार्मूले होंगे वो याद रखने होंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ उसमें एरिया और वॉल्यूम पूछा जाता है, तो आप लोगों ने इसके फार्मूले याद कर लेने अच्छे से। अब फर्स्ट देखते हैं कि कहते हैं कि द पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक सी इज़ इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ये तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इनमें से वो किसी की भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है कि सी की वैल्यू फाइंड करके दें तो ए और बी की वैल्यू गिवन होगी, या पूछ लेगा कि ए को फाइंड करें सी और बी की वैल्यू गिवन होगी, या पूछ लेगा कि बी को फाइंड करें तो सी और ए की वैल्यू गिवन होगी। तो आप लोगों ने इसको अरेंज करके इसके फार्मूले बना लेने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे वो क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में पूछ रहा है कि सोल्व करें राइट ट्राइंगल को। अब हमें ये ट्राइंगल गिवन है, इसके अंदर ये देखें बी क्या होती है, बेस होती है, बी की वैल्यू इधर 12 गिवन है, सी की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं की हुई, ए परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 गिवन है। अब सी हमने इसमें फाइंड करना है। अब ये देखें कि ए, अब हमने इधर क्या फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। अब हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमने सी फाइंड करना है, सिंपल हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। अब इन दोनों को ऐड करो तो 169 आ जाता है और इधर सी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, ये 169 13 का स्क्वायर रूट होता है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 13। सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 13। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को कोई भी ट्राइंगल गिवन होगी और आप लोगों ने उनका ए बी सी साइड कोई भी फाइंड करनी होगी। अब नेक्स्ट देखेंगे, आप लोगों ने फार्मूले तो अच्छे तरीके से याद कर लेने, या आप लोगों को आते होंगे तो ठीक है, वरना आप लोग इनको अच्छे से याद कर लें। एरिया का फार्मूला होता है 4πr का स्क्वायर, 4πr का स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr का स्क्वायर। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ होगा πr इंटू आर प्लस 1, और इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए होगा 4/3πr का स्क्वायर ओवर h। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 ये फार्मूले, ये 1, 2, 3, 4 ये याद कर लेने। और नेक्स्ट लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरो फार्मूला, इसको कहते हैं कि हीरो फार्मूला। ये भी पूछा जा सकता है कि हीरो फार्मूला कौन सा है, ये अंडर स्क्वायर रूट के साथ लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, ये गिवन है। अगर इधर से एस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। एस की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ये क्या बन जाएगी, एस की वैल्यू बन जाएगी, एस को फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट फर्स्ट एम सी क्यू से लिखा हुआ है इधर, फार्मूला डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का। अब ये देखें फार्मूला इधर क्या था, आप लोगों ने ऊपर से देख लेना है कि फार्मूला हमारे पास क्या। ठीक है, अभी हमने फार्मूला रीड किया है स्फीयर का, तो 4πr का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें नेक्स्ट करता है कि अकॉर्डिंग टू द हीरो फार्मूला, ट्राइंगल का हीरो फार्मूला कौन सा बनता है। अभी ये देखें हमने ऊपर रीड किया हुआ, तो इसका क्या बन जाएगा, फर्स्ट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, फर्स्ट इज़ आर राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा फर्स्ट एम सी क्यूज में कहता है कि द मेजर ऑफ द शेडो, एक का हमने शेडो गिवन है, उसकी लॉन्ग लंबाई की हुई है हमें 5, लंबाई कितनी गिवन है 5, ये इसकी लंबाई हो गई है 5, एंड इलेक्ट्रिक पोल इज़ आ जो उसकी चौड़ाई है कितनी है, बी इज इक्वल टू सी, और हमने उसका क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये सी हमें क्या कर रहा है, फाइंड करना है, ये बताएं कि कितना होगा। अब हमने इससे पहले फार्मूला भी पढ़ा था कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ये देखें इधर हमें ए गिवन है 5 का स्क्वायर आ जाएगा, बी की वैल्यू गिवन है 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 25 आ गया और ये 9 आ गया। अब 25 और 9 को ऐड करो तो कितना बनता है, 34, और सी का स्क्वायर, अब इधर का स्क्वायर रूट ले लो, इसका भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 34 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5.8। ये ऐसे आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर दैट हैज़ द, अब ये एक रेक्टेंगुलर है, उसकी क्या दी हुई डायगोनल की लंबाई दी हुई 25,
और बी हाइट दी हुई है उसकी 15। ये देखें हाइट दी हुई है 15, कहता है कि फाइंड करें उसकी चौड़ाई, फाइंड करनी कितनी बनती है वो। इसमें भी आप लोगों ने सिंपल फार्मूला लगा लेना, एक सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। अब हम अरेंज कर लेते हैं फार्मूले को, सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब सी की वैल्यू इधर क्या है, 25 का स्क्वायर आ जाएगा और बी की वैल्यू इधर क्या है, 15 का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ये कर लेना है आप लोगों ने। अच्छा नेक्स्ट इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर आपस में आप लोगों ने ले लेना है। इन दोनों का स्क्वायर लेने से क्या बन जाएगा, ये 625 इधर लिया हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाद हमने ख़त्म करना है तो अंडर रूट ले लेना है, अंडर रूट के बाद ए की वैल्यू आ जाएगी 20। ये आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। अब इसमें कहता है कि हाउ मनी लीटर ऑफ द ऑयल इन द स्फेरिकल टैंक हुज रेडियस इज, अब इधर हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, क्या गिवन है, अब ये देखें ना इधर हमें रेडियस गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, रेडियस गिवन है तो अब आपने पूछना है कि लीटर कितना था, लीटर के लिए लंबाई की जरूरत होती है। तो अब हम इसका वॉल्यूम का फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए कि वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। अब पाई की वैल्यू गिवन है, इधर पाई की वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू पुट करते हैं क्या बनती है, वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का स्क्वायर, 4/3 पाई 22/7 आर का स्क्वायर 2.1 का स्क्वायर। अब ये 7/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अब हम इसका ले लेंगे 2.1 का स्क्वायर। अब ये देखें इधर लिखा हुआ है 2.1 का स्क्वायर, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये इतना लीटर हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों आंसर ठीक है, वो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है और ये किसमें लिखा हुआ है, लीटर में। नेक्स्ट करते हैं कौन से वाला एमसीक्यू करना है, नेक्स्ट ये वाला करना है, कहता था एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब इसका भी एरिया फाइंड करना है। अब ये देखेंगे हीरो फार्मूला ए बी सी, अब तीनों की वैल्यू है, पहले हमने एस फाइंड करना है, एस के लिए ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू, ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी ये। अब इस फार्मूले में पुट कर देना, एस की जगह पे एस की वैल्यू पुट कर देनी और ए बी सी की जगह पे उनकी वैल्यू पुट कर देनी और आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, कहते हैं कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हु इज़ रेडियस। अब इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, उसका रेडियस हमारे पास गिवन है। अभी हमने फार्मूला लिखा था 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, तो ये इसका एरिया वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कहता है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इफ़ इट्स द एरिया इज़, अभी भी हमने इसके अंदर, अब ये देखें ये एरिया का फार्मूला क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर। अब हमें एरिया की वैल्यू गिवन है 154, मतलब ए की वैल्यू गिवन है 4 और इसको हम 22/7 लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। इसमें आर का स्क्वायर हमने क्या करना है, आर का स्क्वायर हमने इसमें फाइंड करना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 154 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 को 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। अब ये 88 को दोनों तरफ डिवाइड करने, ये इसे डिवाइड हो जाएगा, ये इसे, आर का स्क्वायर आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आर का स्क्वायर की वैल्यू होगी 22.25। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लो इसका, ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, आर आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद आ जाएगी 3.5 वैल्यू, ठीक है। आज हमने ये इधर तक एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, 8 के इसका लास्ट चैप्टर रहता है एक, इंशाल्लाह ताला कल हम वो सॉल्व कर लेंगे ताकि 8 क्लास तक मैथ कम्प्लीट हो जाएगी हमारी, उसके बाद हम इस्लामियात स्टार्ट करेंगे। आप लोग मैथ को डेली बेसिस पर करते रहें।